पता नहीं होगा किसी का कल से साढ़े 11 बजे से शुरू होगा ओम प्रकाश राजभर बनाम नरेंद्र मोदी जी। हमारी क्या बात है गुरु, प्रधानमंत्री हम तय मिले हैं ये सब, मुख्यमंत्रियों नहीं भाई, लेकिन लड़ाई शुरू होगी। आपने देखा आज के साल भर पहले इसी गाजीपुर बगल में प्रधानमंत्री आए थे, मैं मिनिस्टर था, 2 साल पहले चिल्लाते रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी लियाओ मंच पर, हमने कहा अगर मर्द हो तो महाराजा सुहेल देव के आगे राजभर लिख दो, हम मंच पे आने के लिए तैयार। नहीं लिखा, नहीं गया। लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मंच पे जाने के लिए हाथ जोड़ते हैं, कोर्ट पकड़ते हैं, या लोग हमारा हाथ जोड़ रहे थे, कोर्ट पकड़ रहे थे, मैं नहीं गया। दिन भर टेलीविजन पर ओम प्रकाश राजभर बनाम नरेंद्र मोदी होता है। आप कर सकते हो ये काम, आप कर सकते हो ये काम, आप कर सकते हो, बड़ी पावर है आप पर। पूर्वांचल में अब थोड़ा कम हो, मैं तो पश्चिम में देख के आया हूँ, चाहे सामली हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे आपका कौशाम्बी हो, चाहे मेरठ मुरादाबाद अमरोहा हो, चाहे आपके आगरा अलीगढ़ हो, सही कासगंज हो, चाहे आपका डेटा हो, चाहे कन्नौज हो। अभी कल मैं औरैया में था, कानपुर देहात, मैं सब जगह देख रहा हूं। इतनी आबादी तेरी है, इतनी आबादी तेरी है कि किसी कवि ने कहा है कि तूने चाहा ही नहीं, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे, तुम तो ठहरे जीत की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस कलाकार बिरादरी, अरे हम तो जौने बिरादरी में पैदा भाई में देखा हमारे बबलू जी खड़ा जा रहा है, जोरदार ताली बजा के बबलू जी का स्वागत करिए। हमारे भाई जगरूपन जी यही है, जगरूपन राजभर जी है, हमारे सुरजीत पीआर जी हैं, हमारे बिरादर हम देखा सुरजीत पीआर जी हैं, राम प्रसाद राजभर जी हैं, दीवान जी हैं, जो हमारे दीवान जी, हमारे वकील राजभर जी हैं, दीपक राजभर, मनीष राजभर, इन लोगों को मैंने बताया नहीं था। बबलू जी को सुबह बनारस बुलाया था, इनको कहा कि मैं आ रहा हूं, किसी को बताना मत, और आपको देखना हो तो 20 तारीख को इसी 20 को आपके चंदौली में आऊंगा, और कम से कम 10,000 राजभर रहेगा इसी चंदौली में, 10,000 रहेगा, और दिखाऊंगा 17 तारीख को बनारस आगेदारी संकल्प मोर्चा, वहां कोयली रही, वहां जाके कहा कहला कोयली है मौर्या जी, मौर्या जी रहेंगे टोपी लगा के, पाल जी रहेंगे टोपी लगा के झंडा लेके, प्रजापति जी, अब आप लोग बताओ, बनारस वाले तो बैठल हम वहां पीछे जी का झंडा रही, पाल जी का रही, चौहान का रही, पटेल जी का रही, राजभर तो टोपी लगा के रख बैठे। और आपको बता रहा हूं कि कम से कम 17 तारीख को बनारस में 50,000 लोग उठने जा रहे, किसी को पता है, आइएगा देखिए। और हम आपसे कहूंगा कि 17 तारीख को आप आइए, एक निवेदन, यहां जितने लोग हो, लड़ाई हम आपको बता देते हैं आगे, कितने लोग हमारी लड़ाई से आप संतुष्ट हो जरा हाथ उठाओ, सब लोग संतुष्ट। अच्छा ये बताओ कि हमारे भैया गायक, 2-3 गायक गाना गौल, हम तो बड़ा सुनत सुनत बहुत खुश रही कि बड़ा मालवा भाई सब बड़ी रुपया इन लोग के मिलत रहा, जी भी पानी आवत रह, लेकिन कहा करी टाइमो नहीं बा, हम गाना वाना नहीं गाते, हम तो रुपया बोल के दे देते लिया, इतना तो हुआ ईमानदारी से बतावा, इस आंदोलन में आप 10 रुपया खर्चा कर सकते हो इस पार्टी के नाम पर, जो आपकी पार्टी कर सकते हैं ना। देखिए बनारस एक ऐसा जिला हो गया है जहां से प्रधानमंत्री जीते, पूरे दुनिया की समाचार एजेंसी बनारस है, पूरे दुनिया की समाचार एजेंसी,
तमाम गुप्तचर वहां हैं। आप अपना झंडा लेकर के खड़ा हो जाओगे तो पूरे दुनिया को संदेश दोगे कि संत राम बीए के बनकर अब लड़ाई के लिए निकल पड़े। ये संदेश देने के लिए बनारस के मुनारी में कार्यक्रम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने सूचना नहीं दिया था यहाँ, नहीं तो हमारे यहाँ आपको जगह नहीं मिलती। अगर सूचना हो गई होते कि हम यहाँ आ रहे हैं, अभी हमारे नेता भ्रम में है कि नेता अब नहीं करेंगे, जानते कि यहाँ आते नहीं। अभी मैं था कल आप सोच लो कि औरैया से फिर एक मीटिंग कानपुर किया और 12 बजे रात आया हूँ 470 किलोमीटर और 200 किलोमीटर लखनऊ से गया था औरैया सुबह। आप सोच लो कि 617 किलोमीटर चल के तब मैं बनारस आया। किसी को यकीन नहीं हुआ हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आप इस नाते साथी इतिहास फिर मैं कह रहा हूं कि अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को बाप कहना बंद कर दो। इतिहास अपना बनाओ, विकास चाहते हो तो नकल मारो भाई, अकल आ जाए। नकल मारो खाली अकल आ जाए। हमको तो अकल आ गई, हमने गोल बना दिया 10 लोगों को, बाबू सिंह कुशवाहा, इतना पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू राम पाल, राम सागर, बिंद राम कर, सत्य मनीष चौहान, ओवैसी जी और ओम प्रकाश राज। अब हम लोग बांधे हैं आहे बदे है। प्रेमचंद प्रजापति जी 5 फुट का रस्सी लेकर तारत रहा, इलाहाबाद कबो तो कबो आजमगढ़ तो कबो बनारस तो कबो चंदौली, हम इनसे कह देखिए दिखा ये 5 फुट के रस्सी से ये लोकतंत्र रूपी कुआं विकास रूपी पानी जो नहीं विकास रूपी पानी बा 25 फुट नीचे बा। विकास रूपी पानी हम कहिला सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल नाली पुल पुलिया खड़ंजा चक्रोट आवास शौचालय पेंशन के हम विकास रूपी पानी के आगे के पहले 5 फुट का रस्सी पानी बा 25 फुट नीचे। तो बोला पानी निकली, बोला निकली ना निकली। ओम प्रकाश के पल्ले बा 10 फुट हमरो निकली ना निकली। बाबू सिंह कुशवाहा के पल्ले बा उन्हों के पल्ले 10 फुट उन्हों का निकली। कृष्णा पटेल के पल्ले 8 फुट वो फेल, ओवैसी जी वो फेल, बाबू राम पाल वो 5 फुट का लेके सारा सुमन वो ना निकली। हम कभी एक दिन लोग के गोली आए और गोली आके हम खाली की देखा सब लोग अलगे अलगे पानी निकलवा ना निकली और सब लोग रस्सिया एक का में जोड़ रहा और रस्सी का लंबाई हो जाए 40। अब हम बतावा पानी निकली कि ना निकली, पानी निकली ना। 22-13 महीना 22 में सरकार बनाऊंगा और योगी को 13 महीने के बाद फिर रही करके गोरखपुर पहुंचाऊंगा। हम कहीं नहीं घूम रहे हैं, 13 महीना खाली इंतजार करो और सरकार बनेगी तेरी। और संत राम बीए का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कितनी लाइब्रेरी होगी वो जिम्मेदारी प्रेमचंद प्रजापति की होगी। रुपया हमसे ले लेना, हम लेंगे रुपया। अरे जब सरकार में रह जाए तो रुपया कौन सा भी रखवाओ प्रेस में जाके अपना जहां जहां मर्जी हो तहां रखवाओ भैया। 22 में तो सरकार बनी आई हम सिद्ध कर देते। आप बताओ हम चंदौली में हैं, कुशवाहा जी, प्रजापति जी, राजभर जी, चौहान जी, बिंद जी, केवर जी, मल्ला जी, निशा जी, बाल जी, मुसलमान जी, पटेल जी, इतना लोग एक जगह को लिया जाए तो बोला हम लोग जीतल जाए कि हार जाए। जीतल जाए बस यह कर रही के यह करा देखा आगे का होला। यह माने के बहुत बढ़ावल ये देश में दू किसिम का दुईया जाती है भैया, ये देश में दुईया जाती है एक अमीर और एक गरीब। हम ये देश में दुईया जाती है हमारे हिसाब से एक अमीर और एक गरीब। हम एक अमीर के कहला चतुरिया और गरीब के कहला बुजुआ, ये दोनों या फिर कहने झगड़ा
ये 26 जनवरी 1950 के दोनों कहला झगड़ा झगड़ा कहला पंचायत होयला पंच लोग टूटलन चला चौधरी लोग ये बुधवा के पल्ले तो पहले चौधरी नहीं रहूंगा आज कसूरिया चौधरी टूटलन तो माना कहा बात हो कहा बात कहा मैंने के पल्ले अपने भाई तो अपने कमरा बांटता हाँ भैया चला चौधरी लोग बांट दे भाई दिया के मोहवा को देना बुधवा के काम बता देना कि घास करा काटा मारा पानी ना और के पियावा दोनों टाइम ओके नहवावा चुतरा को देना चतुरिया के खाली तक दोनों टाइम तुहे कमरवा का फैसला कैलन कि तीन फट ले ले रही बुधवा जब 4 बजे देर बिछुए लगी तो दे दी चतुरिया के उड़ के जाना खाती भाई बिधवा खिचुर खिचुर के मरी हम हूँ पंचायत फल जब देखली कि इतना गड़बड़ फैसला बा हम लोग मिल के कहली पंचायत चतुरिया बुधवा दोनों चपली और खड़ा होकर कहली कि भाई सुना ये फैसला मंजूर ना बा जो 26 जनवरी 1950 का फैसला बा ये मंजूर ना बा फैसला बा तो हमके अगर भाई 5 लीटर दूध दे था चतुरिया बची ले भैंसी का छिमी धोए लगे दूहे बदे चक्के डंडा इतना बड़ा उठावा घुस घुस का डंडा उठावा भैंसिया के मुहवा पर तब तक मारत रहा जब तक भैंसिया खटक न जाए अगर चतुरिया पूछा तो कि भैया काहे मारत होते तो उसे कहता कि मुहवा पूरी का हमार हो हम मारी काहे गरियाई तो उसे मतलब सही कहते गलत कहते नहीं कमरवा जवन का दिन भर तो ले ले रहा जब 4 बजे देर बिछुए लगा तो चाहे हैंड पाइप पर चाहे पोखरी में चाहे नहरी पर तुगो के भेदा एकदम पूरा भेदा चतुरिया खाए भैया कमरवा तो कहते अकेले न जाए तू जो नहीं आवा कमरा भेजे बच्चे के चुकती तो उसी का बल का गंदा होगा तो मुझे कचार से ले जा जब तू राति के ओड़ी तब से समझ में आई हम तो यह करें मुझे घूमत आवत तो चुनाव पंचायत चुनाव अभी भाई ने कहा मेरी सोच है ताकि पूर्वांचल में सैकड़ों जिला पंचायत में प्रजापति को बना के दिखाना चाहता हूं कि निज करो से जहां 13 वोट है कुशवाहा वोट देगा प्रयाग राजभर वोट देगा मान वोट देगा मुसलमान वोट देगा पटेल वोट देगा कैसे नहीं देगा जब मैंने कोर बनाया हूं तो कोर खोले के खड़ा हो जाऊंगा मुझे वोट देकर जिला पंचायत बना के दिखाऊंगा एक काम करने के लिए निकला दूसर काम विधानसभा का चुनाव आवत यह माने के बीच में दूसरे से तो माने के दिक्कत ना हो हम आने का विरादर वो सारे का सार फिर सारा सार बन गए इधर उनके बैठा के पानी पिया था चाय पिया था वो करे बाद उनसे कहना कि देख ये देश में जेकर दल बा वही कबल बा जेकर दल बा वही कबल बा और जेकर दल ना बा बेकार बा आज बतावा यादव जी का बल यादव जी का दल यादव जी के बल हो बल की नहीं लेकर पहलवा आज के 50 साल पहले लोग कहा कि अहिल का बुद्धि फेकुना में बोले अहिल का बुद्धि 12 बजे पूरा रहा और जब से समाजवादी पार्टी बन गई हो तब से अहिल का बुद्धि भोरवे में 4 बजे खुल जाता बोला खुल जाता कि नहीं जब से तू सुतना डाला तब से बलता लेके पानी में दूध दूध में पानी फेंक के 400 कमा के लवटिया होते जब ले तू सुतना लग काहे कर तुमन उनकर दल हो तब उनके पल्ले बल हो 4 बार 13 वोट से हमारे वोट से नहीं 13 वोट से 4 बार सत्ता में गए उसी पे देखो इसकी कहानी क्या है वोट देवे कोई साहिल प्रजापति भाई भाई जब हिस्सा देवे कोई तो प्रजापति का साई है आप यहां के देखो ये लोग का कहानी बड़ी कठिन बताई हम कहानी बताइए नहीं लोग
देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस देश के गरीबों के बीच में आई और कांग्रेस ने कहा क्या है गरीबों, आओ हमारे साथ राजनीति की खेती होगी।